हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एनिमल सेल से कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये एमसीक्यूज़ पीजीटी बायोलॉजी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द सेल ऑर्गेनल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर मूव बाई। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उसमें जो सेल ऑर्गेनल होते हैं, जो कोशिका होती है उसके अंदर जो कोशिकांग होते हैं, कैसे मूव करते हैं, एक्टिन फिलामेंट से या माइक्रोट्यूबुल्स से? केवल बोथ एक्टिन फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूबुल्स या बोथ सीलिया एंड फ्लैजेला? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, बोथ एक्टिन फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूबुल्स, क्योंकि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो एक्टिन फिलामेंट और माइक्रोट्यूबुल्स के हेल्प से मूवमेंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भी पढ़ लेते हैं, दी सेल ऑर्गेनल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर मूव बाई बोथ एक्टिन फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूबुल्स। साइटोस्केलेटल फिलामेंट प्रोवाइड द बेसिस फॉर सेल मूवमेंट, फॉर इंस्टेंस सीलिया एंड फ्लैजेला मूव एज द रिजल्ट ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स स्लाइडिंग अलॉन्ग ईच अदर, इनफैक्ट क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस टेल लाइक सेलुलर एक्सटेंशन सो ऑर्गेनाइज्ड एरे ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स। सेकेंड क्वेश्चन देखें, तो इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, आ प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता है? ओनली हिस्टोन इन इट्स डीएनए, उसके डीएनए में हिस्टोन नहीं होते हैं, ओनली साइटोस्केलेटन या केवल साइटोस्केलेटन नहीं होते हैं, ओनली सब सेलुलर ऑर्गेनिज्म या केवल सब सेलुलर ऑर्गेनल्स लैक होते हैं, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ना ही साइटोस्केलेटन भी नहीं होता है, सब सेलुलर ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, ना ही उनके डीएनए में स्टोन होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स सब सेलुलर ऑर्गेनल्स साइटोस्केलेटन एंड स्टोन इन इट्स डीएनए, द एब्सेंस ऑफ ऑल दिस स्ट्रक्चर्स डिफरेंशिएट प्रोकैरियोट्स फ्रॉम यूकैरियोट्स। मोस्ट प्रोकैरियोट्स कैरी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल और क्रोमोसोम ऑफ सर्कुलर डीएनए। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट दे हैव नो इंटरनल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रोकैरियोट्स ऑफ द फॉलोइंग विच इज एब्सेंट। प्रोकैरियोट्स में अगर आप देखें, ये चार ऑप्शन हैं, तो उसमें से कौन सा एब्सेंट होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या ऑल ऑफ द अबव? तो हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स में सारे के सारे एब्सेंट होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूबुल इन डैश इज रेफर टू एज 9+2 एरे। तो इसका आंसर होगा बोथ सीलिया और फ्लैजेला में, दोनों में ही क्या होता है? 9+2 अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। तो द स्टडी ऑफ सीलियम और द फ्लैजेलम शोज दैट दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देयर कोर इज कॉल्ड एक्सोनेम, इट पजेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। द एक्सोनेम यूजली हैज 9 पेयर्स ऑफ डबलेट ऑफ रेडली अरेंज पेरीफेरल माइक्रोट्यूबुल्स एंड अ पेयर सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूबुल। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनेमल माइक्रोट्यूबुल इज रेफर्ड टू एज 9+2 एरे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पेरीफेरी में 9 होते हैं एंड इन द सेंटर देर इज 2, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं 9+2 एरे या फिर 9+2 अरेंजमेंट। तो यहाँ पे सीलिया एंड फ्लैजेला दोनों में ही हमें 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव द कॉमन। तो दोनों अगर सेल की बात करें, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल, तो दोनों में कॉमन क्या होता है? माइटोटिक अपैरेटस, हिस्टोन, जेनेटिक कोड या माइटोकॉन्ड्रिया? ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ जेनेटिक कोड। दोनों में जो कॉमन दिखाई देता है वो है जेनेटिक कोड। ठीक, आप थोड़ा सा इसका रीड कर लेते हैं। बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल हैव द कॉमन जेनेटिक कोड, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए एंड आरएनए दैट डिटरमाइंस द अमीनो एसिड सीक्वेंसेस ऑफ प्रोटीन। इट इज सेट ऑफ रूल्स डिफाइनिंग हाउ द 4-letter कोड ऑफ डीएनए इज ट्रांसलेटेड इनटू द 20-letter कोड ऑफ अमीनो एसिड्स। द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, ऑल नोन लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज द सेम जेनेटिक कोड। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेल वॉल। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है यहाँ पे, तो इसमें से पूछा गया है कि किस में सेल वॉल नहीं होता है? तो आर्किबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या नॉस्टॉक? ठीक है, तो ये है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसको रीड करते हैं कि वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो माइकोप्लाज्मा डज नॉट हैव सेल वॉल, इट इज़ अ जीनस ऑफ बैक्टीरिया दैट कैन बी पैरासिटिक और सैप्रोट्रॉफिक। सेल वॉल्स आर अननेसेसरी इन प्लाज्मा माइकोप्लाज्मा बिकॉज द सेल्स ओनली लिव इन कंट्रोल्ड ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट ऑफ अदर सेल्स।
Because of the absence of cell wall, mycoplasma have a spherical shape and are quickly killed if placed in an environment with very high or very low salt concentration. They are the smallest disease-causing organism. Okay, next question cure badhte hain. Question number 7. So, yahan pe question hai, which of the following cause food poisoning due to consumption of raw egg? So, raw egg, yani ki kacche ande khane se, kaun sa food poisoning? Kaun food poisoning cause karta hai? So, Salmonella typhi, Escherichia coli, Bacillus, Megatherium, एंड क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलियम. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी. रॉ एग कंजप्शन करने से सैल्मोनेला टाइफी जो है वो फूड पॉइजनिंग कॉज करता है. लेट्स रीड द फूड पॉइजनिंग ड्यू टू द कंजप्शन रॉ एग्स इज कॉज बाय सैल्मोनेला टाइफी. सैल्मोनेला इज अ जीनस ऑफ रॉड शेप्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. रॉ एंड अंडरकुक्ड एग्स कंटेन मिस सैल्मोनेला विच कंटामिनेट द आउटसाइड ऑफ द एग एंड पेनिट्रेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. Symptoms of Salmonella food poisoning include stomach cramps, diarrhea, vomiting and fever. Salmonella typhi infect intestinal tract and the blood. Let's move to the bacteria that bear one flagellum at each end. इसके दोनों ही एंड पे एक एक फ्लैजेला प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एम्फीट्राइकस. ठीक है. The bacteria that bear our flagellum at each end is known as amphitrichum. Example is Equispirillum. Lophotrichus bacteria have several flagella. जो Lophotrichus यहाँ पर bacteria लिखा हुआ है उसमें बहुत सारे flagella होते हैं. फिर Peritrichus bacteria bear multiple flagella attached to over the surface of bacterial cell. And Cephalotrichus bacteria have a group of flagella extending from both the ends. आप देख सकते हैं दिस इज एग्जाम्पल सेफेलोट्राइकस, दिस इज पेरिट्राइकस, दिस इज लोफोट्राइकस, दिस इज एम्फीट्राइकस, दिस इज मोनोट्राइकस, दिस इज एट्राइकस. जब कोई फ्लैजेला नहीं होता है तो उसे हम एट्राइकस बोलते हैं. जब एक एंड पे केवल एक ही फ्लैजेला होता है तो मोनोट्राइकस बोलते हैं. एम्फीट्राइकस जब दोनों ही एंड पे फ्लैजेला होते हैं तो उसे एम्फीट्राइकस बोलते हैं. और सेफेलोट्राइकस क्या होता है? जब दोनों ही एंड पे बहुत सारे फ्लैजेला होते हैं तब उसको सेफेलोट्राइकस बोलते हैं. पेरिट्राइकस यानी कि पूरी बैक्टीरिया के सरफेस पे ही फ्लैजेला होना उसे हम बोलते हैं पेरिट्राइकस. ठीक है. और लोफोट्राइकस केवल एक ही अंडे पे बहुत सारे फ्लैजेला इज लोफोट्राइकस. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हैं. ठीक है. आपको बताना है कि इसमें से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है. स्कीरिया कोलाई, स्टेफाइलोकॉकस, सैल्मोनेला एंटेरिका या हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी. इसमें से जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो है स्टेफाइलोकॉकस. स्टेफाइलोकॉकस इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज स्टेफाइलोकॉकस. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन द क्रिस्टल वायलेट कलर इवन आफ्टर दे आर वॉश्ड विद एसीटोनल अल्कोहल एंड अपीयर एज पर्पल कलर्ड व्हेन एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप आफ्टर ग्राम स्टेनिंग. ओके. एग्जाम्पल हैं इसके स्ट्रेप्टोकॉकस, स्टेफाइलोकॉकस. ओके. आपको याद रखना है स्टेफाइलोकॉकस एंड स्ट्रेप्टोकॉकस आर द एग्जांपल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. लेट्स स्टडी अबाउट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन द स्टेन कलर एंड इवन आफ्टर दे आर वॉश विद एसीटोनल अल्कोहल एंड अपीयर एज पिंक कलर्ड व्हेन एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप आफ्टर ग्राम इन स्टेन. एग्जाम्पल इसका एस्केरिया कोलाई एंड सैल्मोनेला आर द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्राइवन एंडोटॉक्सिन ऑब्टेन फ्रॉम बैसिलस थुरिंजियंसिस आर इफेक्टिव अगेंस्ट. तो बॉल वॉर्म जो होते हैं उनसे बचाने के लिए यहाँ पे क्राइवन का यूज़ किया जाता है. तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स रीड द दिस सेक्शन. क्राई पर्सन इंडोटॉक्सिन ऑब्टेन फ्रॉम बैसिलस थुरिंजियंसिस आर इफेक्टिव अगेंस्ट बॉल वॉर्म. दीज आर पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन्स. ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन द बैक्टीरिया प्रोड्यूस क्रिस्टल्स ऑफ सच प्रोटीन. अ बॉल वॉर्म इज कॉमन टर्म फॉर द लार्वा ऑफ द मोथ दैट अटैक द फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ द सर्टेन क्रॉप स्पेशली कॉटन. प्रोटीन इनकोडेड बाई द जीन क्राई ए सी एंड क्राई ए बी कंट्रोल द कॉटन बॉल वॉर्म. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रोग्राम सेल डेथ इज ऑल्सो नोन एट. तो प्रोग्राम सेल डेथ को हम एपोप्टोसिस भी बोलते हैं. द प्रोग्राम सेल डेथ इज ऑल्सो नोन एज एपोप्टोसिस. इट इज वेरी ऑर्डरली प्रोसेस ड्यूरिंग विच द जीनोम ऑफ द सेल इज ब्रोकन डाउन. द सेल इज फ्रेगमेंटेड इंटू स्मॉलर पीसेस एंड द डेब्रीज इज कंज्यूम्ड बाई नियरली सेल्स by the method of phagocytes that clean up the cell fragment. Apoptosis can be triggered by mild cellular injury by
various factors internal or external to the cell. Move to the next question. Physiologically induced cell death is, तो अगर physiologically induced cell death होती है तो उसे हम apoptosis कहते हैं, या फिर programmed cell death हो, या फिर क्या हो, या फिर वो physiologically induced cell death हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, apoptosis. Apoptosis is physiologically induced cell death. ओके, by which a single cell may be eliminated from the living tissue since the process mediated by specific protein encoded in the host genome, it is called programmed cell death. Move to the next question. Most human cells are surrounded by an aqueous solution called, जो mostly जो human cells होती हैं वो एक aqueous solution surrounded होती हैं, तो उस aqueous solution को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं interstitial fluid. Important question है, interstitial fluid बोलते हैं. अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट ह्यूमन सेल्स सराउंडेड बाय एक्वस सॉल्यूशन कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड. इट इज़ अ फ्लूइड दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन सेल्स. इट इज़ कंपोज ऑफ वाटर, अमीनो एसिड्स, सुगर, फैटी एसिड्स, कोएंजाइम्स, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, सॉल्ट एंड सेलुलर प्रोडक्ट्स. अब लिम्फ के बारे में, लिम्फ इज अ फ्लूइड दैट फ्लोस थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम एंड इट इज़ फॉर्मड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. प्लाज्मा इज क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड liquid portion of the blood that remains after the RBCs, WBC and platelets are removed. Serum is a portion of the plasma remaining after coagulation of blood. Next question is, which one of the following is a free living nitrogen fixing bacteria? तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, उसमें से पूछा गया है कि कौन सा free living nitrogen fixing bacteria है. ठीक है, free living, ये आप याद रखना, इसमें पूछा क्या गया है, free living nitrogen fixing bacteria. ओके, तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या है, एजोटोबैक्टर. ठीक है, तो एजोटोबैक्टर इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और ये जो एजोटोबैक्टर होता है एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है. ठीक है, एरोबिक सॉइल ड्वेलिंग ओवर स्पेरिकल बैक्टीरिया दैट फ्रॉम थिक वॉल्ड सिस्ट रिडक्शन ऑफ इनर्ट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया. इसके अलावा एजोटोबैक्टर हैव द हाइएस्ट मेटाबॉलिक रेट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. तो बैक्टीरिया, क्लोरेला, माइकोप्लाज्मा, नॉस्टोप, कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल नहीं है. तो इसका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरेला. क्लोरेला हमें पता है एक एल्गी है. ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है. एंड ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट पजेस अ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स. ठीक है, मोनेरान्स, जो मोनेरान्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं. बट क्लोरेला एंड क्लोमाइरोमोनास आर जेनरा ऑफ सिंगल सेल्ड एल्गी, ये क्या होते हैं, ये यूकैरियोट्स होते हैं. तो यहाँ पे जो क्लोरेला है वो एक सिंगल सेल्ड एल्गी है, यानी कि ये यूकैरियोट्स हैं. मेसोसोम्स आर नॉट एसोसिएटेड विद, मेसोसोम किससे एसोसिएटेड नहीं होते हैं, सेलुलर फॉर्मेशन से, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन या प्रोटीन सिंथेसिस. तो हमें पता है कि मेसोसोम आर नॉट एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करें. तो मेसोसोम जो होते हैं वो टू टाइप के, मेसोसोम्स आर ऑफ टू टाइप बेस्ड ऑन प्रोटीन पोजीशन फंक्शन. तो पोजीशन एंड फंक्शन पे के बेसिस पे मेसोसोम दो टाइप के होते हैं, पेरिफेरल मेसोसोम होते हैं, दूसरे होते हैं सेंट्रल मेसोसोम. तो पेरिफेरल मेसोसोम जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के पास सिचुएटेड होते हैं इन द पेरिफेरल पार्ट. उनका मेन फंक्शन सेल रेस्पिरेशन होता है एंड सेल वॉल सेक्रेशन होता है. तो यहाँ पे जो मेसोसोम जो पेरिफेरी पे होते हैं उनका फंक्शन सेल रेस्पिरेशन और सेल वॉल सेक्रेशन होता है. उसके अलावा जो सेंट्रल मेसोसोम होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में सिचुएटेड होते हैं, इनका मेन फंक्शन होता है डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन. ठीक है, तो फिर हमको पता चल गया सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन, ये तो इनका फंक्शन हो गया. लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस मेसोसोम का फंक्शन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो मेसोसोम से एसोसिएटेड नहीं है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियम. यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इसमें से बताना है कि कौन सा एक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियम है, नाइट्रोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम, राइजोबियम या एजोटोबैक्टर. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज नाइट्रोबैक्टर. तो नाइट्रोबैक्टर एक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियम है. तो नाइट्रोबैक्टर इज एन ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियम. इट इज अ जीनस कंप्राइजिंग रॉड शेप, ग्राम नेगेटिव एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर.
स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्पिंजोलिपिड इज, तो वो स्ट्रक्चर स्पिंजोलिपिड से बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, माइलिन सीथ, नेसल बॉडी, न्यूरोलेमा या डेंड्रॉन। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज माइलिन सीथ, माइलिन सीथ जो है वो स्पिंजोलिपिड से मिलकर बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पिंजोलिपिड इज माइलिन सीथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दी सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट ऑफ राइबोसोम फाउंड इन बैक्टीरिया इज, तो बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में हमें पता है 70 इस राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज नॉट फाउंड, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो है कोलेस्ट्रॉल, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन अकर्स ड्यू टू, तो सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन किसके कारण होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पॉलीप्लॉइडी के कारण सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, पॉलीप्लॉइडी। सिम्पैट्रिक एसोसिएशन अकर्स व्हेन पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज दैट शेयर द सेम हैबिटेट बिकम रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, दिस स्पीसिएशन फिनोमेना मोस्ट कॉमनली अकर थ्रू पॉलीप्लॉइडी इन विच द ऑफस्प्रिंग और ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी प्रोड्यूस्ड विद ट्वाइस द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन अ प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन, एक प्रोकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट होता है, टू लीनियर डीएनए स्ट्रैंड एंड हिस्टोन, सिंगल सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंड स्ट्रैंड विदाउट हिस्टोन, क्रोमोसोम इनसाइड द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियाई एंड सेंट्रियोल्स। तो हमें पता है सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है और उसमें हिस्टोन नहीं होती है, वही प्रोकैरियोट का प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्मोसोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, तो डिस्मोसोम किसका मॉडिफिकेशन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, गॉल्जी बॉडी का, ईआर न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स का। तो डिस्मोसोम जो है वो मॉडिफिकेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो डिस्मोसोम इज ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय डिस्मोसोम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक डायग्राम बना हुआ है, तो ये डिस्मोसोम नीचे है, ये गैप जंक्शन है, एडेरेंस जंक्शन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्मोसोम इज एसोसिएटेड विद, डिस्मोसोम किससे एसोसिएटेड होता है, सेल डिवीजन से, एनिमल सेल एडिशन से, या प्लांट सेल एडिशन से, बैक्टीरियल एडिशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, एनिमल सेल एडिशन से डिस्मोसोम एसोसिएटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, तो किसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, बैक्टीरिया, ब्लूग्रीन एल्गी, मैमेलियन एरिथ्रोसाइट, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, तीनों में ही ये नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया, ब्लूग्रीन एल्गी, मैमेलियन एरिथ्रोसाइट, ऑल द बैक्टीरिया लाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया टू ऑफन रिफर टू एज एल्गी, ब्लूग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन दी डिक्टम ऑमनी सेलुलर ई सेलुलर सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है, बाय द फॉलोइंग, तो किसने ये बोला था कि जो सेल्स हैं वो पहले से जो सेल्स हैं उनसे अराइज होती हैं, तो याद रखना ये रुडोल्फ विर्चो ने बोला था। ठीक है, जो सेल्स हैं ऑमनी सेलुलर ई सेलुलर वॉज एक स्टेटमेंट है जो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। ठीक है, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट यूकैरियोटिक वर मोनोरन्स प्रोटिस्टन्स प्रोटोजोवंस साइनोबैक्टीरियन, तो पूछा है तो पहले यूकैरियोट्स कौन थे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रोटिस्टन्स, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट जो थे प्रोटिस्टन्स हैं। द प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन्स, तो एक प्रोकैरियोट्स का जो जेनेटिक सिस्टम होता है उसमें क्या क्या होता है, बोथ डीएनए एंड हिस्टोन, बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, हिस्टोन तो होता ही नहीं, डीएनए बट नो हिस्टोन, हाँ इट मे बी हिस्टोन बट नो डीएनए, नो डीएनए नो हिस्टोन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डीएनए बट नो हिस्टोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो क्वेश्चन नंबर 29 है द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ अ सेल इज, तो सेल का मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल क्या होता है, तो वो होता है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और वाटर। तो हमें पता है सेल में सबसे ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है? तो हमें पता है वायरस डू नॉट फॉलो सेल थ्योरी, तो इसका एक्सेप्शन क्या है? वायरसेस। वायरसेस सेल थ्योरी को फॉलो ही नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के फाउंडर कौन थे? तो वो है स्लाइडन एंड सॉन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ करेक्ट, स्लाइडन एंड सॉन इज़ द फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी। उसके बाद रुडोल्फ विर्चो ने भी अपनी लाइन इसमें जोड़ी थी, जो कि थी ऑमनी सेलुलर ई सेलुलर, यानी कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना स्लाइडन एंड सॉन वॉज द फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव द फाइनल टच टू सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को फाइनल टच दिया रुडोल्फ विर्चो ने, ऑप्शन सी इज करेक्ट यहाँ पे। और इन्होंने क्या बोला था कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोट्स डिफर फ्रॉम यूकैरियोट्स इन, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो यूकैरियोट्स से किस चीज़ में डिफर होते हैं? एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सही है, हैविंग क्रोमोसोम, हैविंग 9+2 फिब्रिलर स्ट्रक्चर इन देयर फ्लैजेला, देयर डीएनए प्रोटीन एसोसिएशन। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट ऑप्शन है होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर ए, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूक्लियर इक्विवेलेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज नोन एज प्रोकैरियोन न्यूक्लियोइड, एंड इट हैज़, कौन सा सही होगा, हैज़ 1+2 क्रोमोसोम, हैज़ अ प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो होती ही नहीं प्रोकैरियोट्स में, डज नॉट डिवाइड बाय रेगुलर माइटोसिस, ऐसा तो नहीं है, सम टाइम हैज़ अ न्यूक्लियोलस, ऐसा भी नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऐसा हैज़ 1+2 क्रोमोसोम इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैच्योर ह्यूमन इरेथ्रोसाइट हैज टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो मैच्योर ह्यूमन इरेथ्रोसाइट होती है उससे उसको देखें तो उसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? एंड यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल, नाइदर प्रोकैरियोटिक नॉट यूकैरियोटिक। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी, नाइदर प्रोकैरियोटिक नॉट यूकैरियोटिक। मैच्योर ह्यूमन इरेथ्रोसाइट्स आर यूकैरियोटिक cells which have lost their nucleus and organelles initially, the ribosome has the RBCs at nucleus but lose it with maturation. Prokaryotic cells include bacteria and archaeobacteria. Prokaryotes are exclusively unicellular with naked DNA, while erythrocyte RBC are a part of multicellular organism. All eukaryotic cell has a nucleus but RBCs doesn't have nucleus, so they have properties of neither prokaryotes nor eukaryotes. So, eukaryotic एरिथ्रोसाइट होती है, ह्यूमन एरिथ्रोसाइट होती है, उसमें ना ही प्रोकैरियोटिक के ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ना ही यूकैरियोटिक की प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म सेपरेटेड बाय, तो न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म जो है वो सिंगल लेयर मेम्ब्रेन सेपरेट होता है, टू लेयर मेम्ब्रेन सेपरेटेड होता है, या थ्री या मल्टी लेयर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है टू लेयर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म सेपरेटेड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर नहीं है? एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस है, ये तो फीचर है। एब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, ये भी है। एब्सेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, नहीं ये फीचर नहीं है। प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट नहीं होता है। ऑप्शन डी क्या है? एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन द क्रोमोसोम, डी भी सही है। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज़ नॉट द फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्रोकैरियोटिक नॉर एंड यूकैरियोट्स, तो इसमें से कौन सा है जो ना तो प्रोकैरियोट है ना तो यूकैरियोट है? हमें पता है जो ना ही प्रोकैरियोट होता है और ना ही यूकैरियोट होता है वो होता है वायरस। तो यहाँ पे हमें केवल एक ही वायरस दिख रहा है, दैट इज TMB टोबैको मोजैक वायरस। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल नहीं है इसमें से, तो फिर वो है क्लोरेला। अभी सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो चुका है आई थिंक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज, तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है? तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज प्रोटोप्लाज्म, वो है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज फॉर्म्ड बाय, तो यूकैरियोटिक सेल में जो साइटोस्केलेटन होता है वो किससे मिलकर बना होता है?
प्रोटीन फिलामेंट, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, लॉन्ग चेन फैटी एसिड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है प्रोटीन फिलामेंट। साइटोस्केलेटन जो होता है वो प्रोटीन फिलामेंट से मिलकर बना होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन हाईएस्ट कंसेंट्रेशन इन द यूकैरियोटिक सेल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन हाईएस्ट कंसेंट्रेशन, कौन सा यूकैरियोटिक सेल में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हायर कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। ओके, तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या क्या है। आयरन है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है एंड सल्फर। इसका जो सही ऑप्शन है वो है कैल्शियम। कैल्शियम इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट कंसेंट्रेशन इन द यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु डिस्कवर दैट सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें पता है किसने बताया कि सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। वो है हमारे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु प्रोपाउंडेड सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को प्रोपाउंड करने वाले दो साइंटिस्ट हैं, स्लाइन एंड सॉन। एक बॉटनिस्ट थे, दूसरे जूलॉजिस्ट थे। हु फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन दैट सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो वो हैं हमारे रुडोल्फ विर्चो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द सेल कैन बी सीन विथ नेकेड आई। ठीक है, तो वो है 100 माइक्रॉन। 100 माइक्रॉन की जो सेल होती है उसे हम नेकेड आई से देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस में प्रेजेंट होता है? ऑल प्रोकैरियोटिक सेल, ना ऑल यूकैरियोटिक सेल, ऑल बैक्टीरिया, ऑल द न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसका ऑप्शन बी है, वो सही है। सारे यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल।